फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कानो मॉडल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन वो इज ए कस्टमर किसको कस्टमर बोलते हैं क्या वही जो हमारा सामान खरीदता है जो हमारा माल खरीदता है ओके फाइन डेफिनेटली वो कस्टमर है लेकिन डॉक्टर डेमिंग ने 1950 में क्या बोला था योर नेक्स्ट प्रोसेस इज योर कस्टमर उिडी मैं उसको और आगे एक्सटेंड करता हूं सोसाइटी इज योर कस्टमर योर कंपनी थ्रू योर बॉस इज योर कस्टमर कस्टमर किसी भी लेवल का हो सकता है सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वंडरफुल वनो मॉडल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन ओके सीनियर मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ जापनीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर

तो so, आज मैं एक मॉडल आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं वेरी फेमस मॉडल कॉनो मॉडल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन डॉक्टर कॉनो ने क्या किया एक पेपर पे दो लाइनें लगाई एक हॉरिज़ॉन्टल और दूसरी वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल और दूसरी वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल लाइन क्या कहती है या लुक एट द लेफ्ट साइड जॉब डन वेरी पुअरली राइट साइड जॉब डन वेरी वेल लुक एट द टॉप कस्टमर इज हाइली सेटिस्फाइड लुक द बॉटम कस्टमर इज एक्सट्रीमली पॉइंट ऑफ जीरो इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटती हैं, जीरो का पॉइंट है क्या yeah? ओके okay. अब देखिए इसके बाद डॉक्टर कौनों ने क्या किया एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमें समझाने की कोशिश की क्या है लुक सबसे नीचे एक कर्व है जो इस ग्राफ में आपको इस ग्राफ में आपको ग्रीन कलर में दिखता है वो क्या है बेसिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट डज इट मीन एज ए कस्टमर हम मार्केट से कुछ भी खरीदें उदाहरण के तौर पे जस्ट एक बॉल पेन पाँच छः रुपये का आता है सस्ते वाला या आई एम नॉट टॉकिंग वेरी हाई टेक पेन्स बॉल पेन से क्या एक्सपेक्टेशन है ठीक एक से लिखे ग्रिप अच्छी हो या मतलब लिखते हो हाथ दुखे नहीं थके नहीं चाहे लीक ना हो देखने में ठीक ठाक हो कीमत ज़्यादा ना हो चाहे सूखे नहीं ठीक है पाँच छः रुपये का पेन और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन और जब ये एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती हैं हम कहते हैं काम चल गया हम कहते हैं काम चल गया या हम कोई बहुत प्रसन्न नहीं होते तो कानून इसका नाम दिया बेसिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बेसिक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डन डॉक्टर साहब क्या बोले वन मोर हायर लेवल परफॉर्मिंग क्वालिटी इनिशियल बेसिक क्वालिटी बेसिक सेटिस्फैक्शन परफॉर्मिंग क्वालिटी विच गेज यू मच हायर सेटिस्फैक्शन गौर से कहते हैं लोग ये फ्रिज हमने खरीदा था पच्चीस साल हो गए अभी भी नए की तरह चलता है ये टीवी हमने लिया था अठारह साल हो गए या नए के जैसी परफॉर्मेंस है पिक्चर क्लैरिटी बहुत अच्छी है मेरे अपने घर में क्या मेरे पेरेंट्स के घर में पेरेंट्स के अब है नहीं एक पंखा है जो मेरे जन्म से पाँच साल पहले खरीदा गया था तिरसठ साल पुराना उषा पंखा तभी जय इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती थी कंपनी अभी भी वर्किंग कंडीशन में है पंखा अभी भी चलता है हवा देता है बहुत भारी पंखा है किलोग्राम के लगभग बहुत इनएफिशिएंट लेकिन हमने रखा है क्या ये पंखा हमारे बाप दादाओं के निशानी अदरवाइज उस पंखे को फेंक देना में सस्ता पड़ेगा पर हम फेंकते नहीं हैं hmm? क्यों सेटिस्फैक्शन है इतना पुराना पंखा चल रहा है तो जब ऐसी चीज मिलती है हम अपने यारों दोस्तों को उसके बारे में बखान करते हैं उसका हम हम उसके मार्केटिंग एजेंट बन जाते हैं अरे बहुत अच्छी चीज है तुम भी यही लेना तुम भी यही लेना परफॉर्मिंग क्वालिटी फॉर दिस दैट ऑल कानों पर एक और हायर लेवल होता है वो क्या होता है एक्साइटिंग क्वालिटी वो कब है जब कस्टमर किसी चीज को लेकर लंबे समय से परेशान था और आपने उसका सोल्यूशन दे दिया कस्टमर गेट्स एक्साइटेड मुझे याद है बचपन के दिन शर्ट सिलवाते थे पैंट सिलवाते थे या बड़े मुश्किल से पैंट शर्ट सिलवाने का चांस मिलता था तो फैब्रिक लाते थे शर्ट का दो मीटर पैंट का एक बीस लेकर कहाँ गए टेलर के पास उसने नापा यूं किया यूं किया या मोरी कैसी ब्ला 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 पाँच सात स्टैंडर्ड सवाल पूछे उसमें से कतरन काटी स्टेपलर मारा बोला एक हफ्ते बाद ले जाना फाइन ले आए डिलाइटेड पेंट शर्ट नहीं मिले और खूब खुश लेकिन एक बटन टूट गया अब हर एक घर के अंदर एक डब्बा होता था जिसमें साठ सत्तर बटन बारह सो पच्चीस तीस रेल और हम डब्बा निकाल निकाल के देखते थे कौन से वाला बटन मैच करेगा या? आपके साथ भी हुआ होगा घर घर की कहानी है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, लॉन्ग स्टैंडिंग एक शर्ट मेकर के दिमाग में आया अगर शर्ट के अंदर एक या दो बटन टांक दो और दो का बटन टूटे यहीं से ले ले वंडरफुल आइडिया प्रॉब्लम डिलाइटेड डेड डिलाइटेड अब डब्बे में हाथ नहीं मारना पड़ेगा मैचिंग बटन नहीं ढूंढना पड़ेगा क्या कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा ये चल तो जाएगा है तो वैसे अलग पर चला ले कंप्रोमाइज की कोई जरूरत नहीं है यू आर डिलाइटेड बट ये सेटिस्फेक्शन स्थाई नहीं है क्यों एक ने शुरू किया सारे शर्ट मेकर करने लग गए सभी शर्ट मेकर ने लगा दिया चीज कॉमन हो गई टिस्फाइड थे छह महीना साल सेटिस्फैक्शन ओवर क्यों जब कोई चीज एकदम कॉमन हो जाती है प्रसन्नता नहीं देती थोड़े समय के लिए देती है जैसे ही आपने देखा एकदम कॉमन है सेटिस्फैक्शन एकदम डिप मार। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आप एक जगह नौकरी करते हैं। मिड सेप्टेंबर चल रहा है सपोर्ज की सैलरी आई सैलरी स्लिप मिली और सैलरी स्लिप एक रिमार्क आया क्या आपकी सैलरी दस हजार रुपए पर मंथ बढ़ाई जा रही है कैसा लगेगा डिलाइटेड पे प्रसन्नता है माइल आ गई इमिजिएटली आपने साथ वाले को देखा आपका कोले भी, भी मुस्करा रहा है उसके भी दस बड़े हैं। एक ही लेवल पे आप दोनों या बोथ ऑफ यू आर डिलाइटेड वंडरफुल चाय बांटे वाला छोकर आया गुनगुन गुनगुना रहा है बड़ा प्रसन्न है अरे राजू बहुत कुछ लग रहा है क्या हुआ साहब आज से मेरे दस हजार रुपये बढ़ गए दस हजार रूपये बढ़ गए हाँ साहब अभी मेरे को एचआर वाला बताया अब आपकी सेटिस्फेक्शन एकदम डिप मारी मेरे भी दस चाय वाले के भी दस कुछ होने लगा दिल को उठे सीट से एक राउंड मारा कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड वाले दिखे सिक्योरिटी गेट पे वो हंस हंस के बातें कर रहे हैं बहुत प्रसन्न है अरे क्या बात है भाई क्यों इतने खुश हो तब अभी अभी एच आर वाला हमको बताकर गया हमारे दस हजार रुपए बढ़ गए अब आपको एकदम से आग लगी है आ? मेरे भी दस चाय वाले के भी दस सिक्योरिटी वाले के भी दस हजार बढ़े अरे इस कंपनी में कोई देखने वाला है या नहीं जो सेटिस्फेक्शन जो खुशी वन टू टेन के स्केल पे पे थी अभी माइनस टेन पे आ गई है एकदम कॉमन आ गई फिर एक और दूर से अरे यार दस हजार रुपये बढ़ गए खुश हो कौन सा एहसान कर दिया काम भी तो करते हैं थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे कहानियां छोड़िए कहानियां छोड़िए बताने का पर्पज केवल इतना है कि कोई चीज एकदम कॉमन हो जाए सेटिस्फैक्शन नहीं देती क्या नहीं देती तो कल तक जो चीज हमें सेटिस्फैक्शन दे रही थी टाइम के साथ एकदम डिप मारती माय फ्रेंड्स ये कानो मॉडल मेरे ऊपर आपके ऊपर कंपनी में नेशनली इंटरनेशनली हर एक के ऊपर काम कर रहा हमारे अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है दो तीन चार साल में किसी और ने भी कॉपी कर लिया तीन लोगों ने और कॉपी कर लिया मेरी यूएसपी खत्म हो गई इज गॉन कंपनी कहती है और नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट अब क्या करोगे यू आर जस्ट ए कॉमन पर्सन आई लर्न वन मोर स्किल अगेन यूएसपी इज या अगेन इज और लोग काफी करते हैं फिर कॉमन हो जाती है माई फ्रेंड्स ये कानो मॉडल हमें जीवन में कुछ ना कुछ नया करने के लिए निरंतर मजबूर करता है इंप्रूवमेंट की तरफ पुश करता है और जो आदमी जिद्दी है कि मैंने इंप्रूव नहीं करना या मैंने इंप्रूव नहीं करना उसे मार्केट से बाहर भी करता है या आई होप द मैसेज इज क्लियर टू यू यूट